नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हूँ। मैं आपको बताते चलूँ, नितिन गडकरी साहब यहाँ पे आने वाले हैं और पीएमओ भी यहाँ पे आने वाले। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि कितनी पब्लिक यहाँ पे आई हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो जो शुरू होने वाले हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ के कुछ लोग हैं, लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए है बीजेपी के सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद राहुल जी। सर, मिनिस्टर साहब यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपकी क्या डिमांड्स आई हैं, क्या डिमांड्स आपकी रहेगी और आप क्यों आए हो यहाँ पे मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए? आज हमारे माननीय मंत्री जी श्रीमान नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आज 11,000 समथिंग कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शिलान्यास उसका करना है और लोगों को उसका बेनिफिट हो, उसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। और हम सब, आप देख रहे हैं, जनता जो है किस प्रकार बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है कि वो अपना संबोधन रखेंगे। ये बहुत खुशी का समय है जब भारत सरकार के मंत्री डोडा का दौरा कर रहे हैं, और इस प्रकार का जो आयोजन है इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद हम करते हैं, और लोग जो यहाँ पर आए हैं वो उनको सुनेंगे, ये हमें बहुत खुशी है। सर, किस हिसाब की डिमांड्स, किस किस्म की डिमांड्स आपकी रहेगी, क्योंकि ये रोड के ही मिनिस्टर हैं? अगर हम बात करें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा की रोडों की, बिल्कुल खस्ता हालत आपको दिखेगी। कर्राड मिनिस्टर साहब के आने की खुशी में आरएनबी डिपार्टमेंट के पास पहले तो पैसे होते नहीं हैं, कोई टेंडर निकालने के लिए नहीं, लेकिन जब इनको पता लगता है कि मिनिस्टर साहब यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बाद रातों रात काम स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से वो लुक मुझे लगता है कि जब वो अभी तक भी ख़त्म हो गई होगी। हमारी रोडों की खस्ता हालत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। निश्चित रूप से एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है उनकी। इसीलिए आज जो मंत्री यहाँ पर आए हैं, आपने सही कहा कि मंत्री के आने पर यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग हुई या रोडों में कुछ मरम्मत की गई, ये सही कहा आपने। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दफ्तरों में अफसरशाही करते हैं लोग, वो उनको लोगों के प्रति उनको चिंता नहीं होती है, वो अपनी ऐश व आसरत में अपना काम करते हैं। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का यही फ़ायदा होता है। हम आने वाले समय में भी ये विश्वास रखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी, जो लोगों के काम करेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनेंगी, बिजली पानी सड़क जैसी सुविधाएँ, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो हमारी आज़ादी के 70 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज तक भी लोग पानी बिजली और सड़क से महरूम हैं, ये पिछली सरकारों की देन है, जिन्होंने लोगों को गुमराह करके रखा, धर्म और जातियों में बांटा, हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया लोगों को, विकास के मुद्दे पर यहाँ पर काम नहीं हुए। आज पहली बार जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का कल्चर जो शुरू हुआ है, ये मोदी जी के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद यहाँ पर ये सिस्टम शुरू हुआ है। और कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पी आर चंद भगत, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ यहाँ डोडा बीजेपी और स्वराज मंडल प्रभारी भी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनका यहाँ डोडा में आने का स्वागत करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज वो 25 प्रोजेक्ट जो हैं, उसमें से 17 जो प्रोजेक्ट्स रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 7 जो हैं जम्मू की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि वो इस डोडा की धरती से पूरे जम्मू प्रोविंस के जितने प्रोजेक्ट उनका आरम्भ करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। हम सबसे पहले उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ डोडा की धरती से इन प्रोजेक्टों का शुरुआत की, और इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान जो है हमारे माननीय सांसद और आज जो केंद्रीय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका भी योगदान है कि 25 प्रोजेक्ट्स में से 17 जो है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हम अपील करते हैं उनसे, एक हमारी डिमांड है कि ये प्रोजेक्ट तो उन्होंने हमारे यहाँ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 प्रोजेक्ट तो लॉन्च किए, साथ में हमारी डिमांड है कि जो रामबन डोडा और किश्तवाड़, जो हमारा खासकर सराज का एरिया है, ये जो अभी शुद्ध महादेव चेन्नई नेशनल हाईवे बन रही है, उसके ये जम्मू कैपिटल सिटी को कनेक्ट करती है, इसी की तर्ज पर हमारा डैम टॉप से डोडा किश्तवाड़ की तरफ एक हाईवे होना चाहिए जो श्रीनगर कैपिटल सिटी को कनेक्ट करे। तो हमें बहुत उम्मीद है, खासकर हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के, वो ये हमारी डिमांड्स जो हैं हमारे मेमोरेंडम भी गए हुए हैं, वो उन तक पहुँचाएँगे।
के हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े और इन्हीं के संसदीय क्षेत्र उधमपुर से 1948 में डोडा और रामबन का जन्म हुआ था। दशकों बाद ये अलग अलग जिले बने थे और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर उनका भी स्वागत कर देता हूं उनकी जमीन पर। कल भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यक्रम में जब मैंने लोगों को बताया कि 24 नवंबर को आदरणीय नितिन गडकरी जी जम्मू संभाग के लिए प्रगति के हाईवे का तोहफा लेकर के आ रहे हैं, तो बड़ी देर तक जोरावर सिंह स्टेडियम में तालियां बजती रही। आज जब यहां डोडा में भी ये बताया अभी जुगल किशोर जी ने कि 11,721 करोड़ रुपए की जिन 25 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को आज गडकरी जी शुरू करने जा रहे हैं, आप सबको समर्पित करने जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा और प्रगति का हाईवे साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वायु से दूरी पावा तक